हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि रविदिति क्लासेस आर टूडेज़ टॉपिक इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कल के खत्म हो चुके हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेल्थ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वर्मिंगम इंग्लैंड में तो इंग्लैंड के शहर वर्मिंगम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया देश ने राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं तो कितने पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने कुल एक ये आपको याद रखना तो है तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स टोटल ऑफ 178 सेवेंटी एट मेडल्स जिसमें कि 67 सेवन गोल्ड हैं फिफ्टी सेवन सिल्वर हैं और फिफ्टी फोर ब्रॉन्ज मेडल हैं और वहीं इंडिया ने सिक्सटी वन टोटल मेडल्स जीते हैं जिसमें ट्वेंटी टू गोल्ड सिक्सटीन सिल्वर और ट्वेंटी थ्री ब्रॉन्ज मेडल्स हैं ये भी आपको याद रखना है अब मैं आपको मेडल टेबल्स के बारे में बता देता हूँ जिसमें टॉप थ्री कंट्रीज़ हैं टॉपर है ऑस्ट्रेलिया 178 मेडल्स के साथ जिसमें 67 गोल्ड 57 सिल्वर और 54 फोर ब्रॉन्ज मेडल है सेकेंड नंबर है इंग्लैंड का टोटल मेडल्स इसने जीते हैं 176 जिसमें 57 गोल्ड 64 सिल्वर और 53 थ्री ब्रॉन्ज मेडल है थर्ड नंबर पे है कनाडा तो कनाडा ने टोटल मेडल 92 जीते हैं जिसमें 26 गोल्ड 32 सिल्वर और 34 फोर ब्रॉन्ज मेडल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 61 तो भारत ने इकसठ पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यह आपको याद रखना है जिसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल इकसठ पदक जीते हैं यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज मॉर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया देश ने राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं मोस्ट गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं सबसे ज्यादा 67 गोल्ड मेडल्स मोस्ट सिल्वर मेडल जीते हैं इंग्लैंड ने 64 मोस्ट ब्रॉन्ज मेडल ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं 54 तो ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेन टू वेन कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी एट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू एट ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगला क्वेश्चन वट इज द मैस्कट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेरी तो पेरी दबुल राष्ट्रमंडल खेल दो हजार बाईस का शुभंकर है यानी कि मैस्कट है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the Indian flag bearer at the opening ceremony of Commonwealth Games 2022? Correct answer is option C. Suitable A and B. That is PV Sindhu, badminton player of India, Manpreet Singh, hockey player of India. So these two players are the Indian flag bearers at the opening ceremony of Commonwealth Games 2022. So you have to Next question. Who was the flag bearer of India at the closing ceremony of Commonwealth Games 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सूटेबल बोथ यानी कि अचंता शरत कमल और निकत जरीन ये दोनों ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे यानी कि फ्लैग बेयरर थे इंडिया के नेक्स्ट क्वेश्चन हु वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मीराबाई चानू दैट इज ए वेट लिफ्ट प्लेयर तो मीराबाई चानू जो कि भारतोलन की, भारत की खिलाड़ी हैं इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ट्वेंटी टू इज हेल्थ इन द ईयर थाउजेंड टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी तो इस वर्ष का ये ट्वेंटी सेकेंड एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का ये या आपको याद रखना है फ्रेंड्स अब फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अब मैं आपको कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देता हूं when were द कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट held करेक्ट आंसर is ऑप्शन सी 1930 तो so, सन 1930 में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित हुए थे ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इनवॉल्विंग एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज द इवेंट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन नाइनटीन तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स उन्नीस में हुए थे और उसके बाद से ये हर चार साल बाद आयोजित किए जाते हैं आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट कॉमनवेल्थ गेम्स वर नोन एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स फ्रॉम नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन फिफ्टी तो उन्नीस सौ तीस से उन्नीस सौ पचास तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था फिर उसके बाद इसे द ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया सन उन्नीस सौ चौवन से उन्नीस सौ छियासठ तक फिर इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया सन उन्नीस सौ सत्तर से सन उन्नीस सौ चौहत्तर तक और फाइनली इसे नाइनटीन सेवेंटी एट से कॉमनवेल्थ गेम्स से नाम से जाना गया यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वर द कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट हेल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हैमिल्टन हैमिलडा तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हैमिल्टन कैनेडा में आयोजित हुए थे नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोर ईयर्स तो हर चार साल बाद राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन When did India participate in the Commonwealth Games for the first time? Correct answer is option B. 1934 London Commonwealth Games. तो so, सन 1934 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था और ये हुए थे लंदन में तो ये भी आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डेट कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मई तो 24 मई को हर साल राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री होस्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया तो सबसे ज्यादा बार किस देश में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं कुल पांच बार ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज लोकेटेड

टू हंड्रेड गोल्ड मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों में दो सौ स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश बना है यह आपको याद रखना है टॉप थ्री कंट्रीज के बारे में अब आपको बता देता हूँ जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है एक हजार तीन गोल्ड मेडल जीते हैं इसने दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड सात सौ तिहत्तर गोल्ड मेडल जीते हैं इसने तीसरे नंबर पर है कैनेडा जिसने फाइव हंड्रेड टेन गोल्ड मेडल्स जीते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2010, तो so 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे और ये 19वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज हेल्ड इन इंडिया इन टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नाइनटीन्थ नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वर्ल्थ द ट्वेंटी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड एटीन हेल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेल दो हजार अट्ठारह का आयोजन हुआ था यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वेल्थ द ट्वेंटी थर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स बी हेल्थ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में तेईसवें राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला आयोजन होने वाला है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिल्खा सिंह ये एक एथलीट थे तो इन्होंने भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह वोन द गोल्ड मेडल एट कार्डिफ वेल्स इन 1958 फिफ्टी ईयर ये ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन एथलीट्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 72। तो देशों के एथलीट्स ने बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया है यह आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी इज प्लेड एट तो यह अलेक्जेंडर स्टेडियम इंग्लैंड में खेले गए हैं जिसमें भारतीय खिलाड़ी कुल 213 हैं और जिसमें कि 107 मेल प्लेयर्स हैं और 106 फीमेल प्लेयर्स हैं ये भी आपको याद रखना है मैक्सिमम 38 प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा स्टेट तो हरियाणा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं भारत की तरफ से अठतीस खिलाड़ी अगला प्रश्न इन विच ईयर इंडिया डेडेंट पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई सूटेबल ऑल दैट इज़ इन नाइनटीन थर्टी नाइनटीन 1986. तो ये आपको याद रखना है कि इन वर्षों में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द कॉमनवेल्थ गेम्स नॉट हेल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सूटेबल ए एंड बी दैट इज इन 1942 एंड 1946. तो इसके पीछे का कारण था फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड जिसके कारण भारत ने इन वर्षों में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था अगला प्रश्न हु हैज बिकम द यंगेस्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू दैट इज ओनली फोर्टीन ईयर्स ओल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अनाहत सिंह तो अनाहत सिंह भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट हैं जिन्होंने बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है भारत की तरफ से और अनाहत सिंह स्क्वैश के प्लेयर हैं यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संकेत महादेव सरकर तो संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए सबसे पहला पदक जीता है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ वॉर्न ब्रॉन्ज मेडल इन हाई जंप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तेजस्विन शंकर तो जसविन शंकर ने भारत के इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कौन से पदक जीता है यह या आपको याद रखना है राष्ट्रमंडल खेलों में तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन अब मैं आपको भारत के जितने भी खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने पदक जीते हैं तो उनके बारे में आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूं तो पहले हम करेंगे लिस्ट ऑफ ट्वेंटी गोल्ड विनर प्लेयर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं फर्स्ट नंबर इस मीराबाई चानू ये मणिपुर से हैं वेट लिफ्टिंग में इन्होंने वुमेंस कैटेगरी में फोर्टी नाइन्थ के कैटेगरी में गोल्ड दिलाया भारत को सेकेंड है जैरमी लालरी नुंगा जो कि मिज़ोरम से ये भी वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं और इन्होंने मेंस के 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिलाया भारत को थर्ड अचिंता शुली ये वेस्ट बंगाल से हैं इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में मेंस के 73 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिलाया भारत को नेक्स्ट इज़ पीवी सिंधु जो कि हैदराबाद से है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने वुमेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए नेक्स्ट बजरंग पुनिया ये हरियाणा से ये रेसलिंग के प्लेयर हैं और इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल सिक्सटी कैटेगरी में गोल्ड दिलाया है भारत को नेक्स्ट वन इज साक्षी मलिक हरियाणा से रेसलिंग में नेक्स्ट दीपक पुनिया हरियाणा से रेसलिंग में रवि कुमार दहिया हरियाणा से इन्होंने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को विनेश फोगाट हरियाणा से रेसलिंग में नवीन सिहाग हरियाणा से इन्होंने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाया है भावना हसमुख भाई पटेल ये गुजरात से इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है नीतू गंगास ये हरियाणा से इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है नेक्स्ट अमित पंघाल जो कि हरियाणा से बॉक्सिंग के प्लेयर हैं निखत जरीन तेलंगाना से बॉक्सिंग में लक्ष्य सेन ये उत्तराखंड से बैडमिंटन के प्लेयर हैं इन्होंने मेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है चिराग शेट्टी सात्विक सहराज रानी के रेड्डी इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए शरद कमल श्रेजा अकूला इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है अचंता शरत तमिलनाडु से हैं एडॉल्स पॉल इन्होंने केरला से हैं एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है हरमीत देसाई साइना शेट्टी शरद कमल जी संथिया इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को नेक्स्ट लवली चौबे रूपा रानी तिर्की पिंकी एंड नयन मोनी साइकिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सुधीर हरियाणा से इन्होंने भी गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को तो ये थे कुल 22 प्लेयर्स जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है नेक्स्ट लिस्ट है हमारी लिस्ट ऑफ सिल्वर मेडलिस्ट जिसमें कि भारत ने 16 मेडल जीते हैं पहले हैं संकेत सरगर वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेन्स के फिफ्टी फाइव के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है विंध्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग में सुशीला देवी जूडो में वुमेंस के 48 एट के जी कैटेगरी में सिल्वर जीता है विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में इंडियन बैडमिंटन टीम ने भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है तुलिका मान इन्होंने जूडो में जीता है सिल्वर मेडल मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स में अंशु मलिक रेसलिंग में प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स में अविनाश सबले एथलेटिक्स में मेंस लॉन बॉल टीम ने सिल्वर जीता है अब्दुल्ला अबूबकर एथलेटिक्स में शरद कमल जी सिंथियान टेबल टेनिस में इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता है क्रिकेट में सागर अहलावत बॉक्सिंग में मेंस इंडियन हॉकी टीम इन्होंने हॉकी में सिल्वर मेडल जीता है तो ये सिक्सटीन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए ये आपको याद रखना है नेक्स्ट लिस्ट इज़ ब्रॉन्ज मेडल लिस्ट जिसमें भारत ने ट्वेंटी थ्री मेडल जीते हैं फर्स्ट वन इज़ गुरु राजा पुजारी वेट लिफ्टिंग में मेंस के 61 वन के कैटेगरी में सेकंड विजय कुमार यादव जूडो में मेंस के 60 के कैटेगरी में हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में वुमेंस के लिए लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स में दिव्या काकरण रेसलिंग में मोहित ग्रेवाल रेसलिंग में जैसमिन लंबोरिया बॉक्सिंग में पूजा गहलोत रेसलिंग में पूजा सिहाग रेसलिंग में मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग में दीपक नेहरा रेसलिंग में रोहित तोकस बॉक्सिंग में सोनल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं वुमेंस हॉकी टीम संदीप कुमार एथलेटिक्स अनुरानी एथलेटिक्स में सौरभ घोषाल दीपिका स्क्वैश मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं किदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन में त्रिषा जोली एंड पुलेला गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन में सिंथिया गणना सेकरन टेबल टेनिस में इन सब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए यह लिस्ट आपको याद रखनी है फ्रेंड्स नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज टेस्ट पार्ट जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चन में से किन्हीं दो क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है सही आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेल्ड यू हैव फोर ऑप्शंस Second question. Which country has won the maximum number of medals in Commonwealth Games 2022? Your four options are. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक like जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट